हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज बाई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं इसका पैटर्न क्या है और कैसे होता है, मैं आपको आज समझाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिन रात जो हो रहा है ये इसके पीछे बहुत सी भ्रांतियाँ थी। जब इस पृथ्वी पर जब जीवन पनपा था तो सबसे पहले आदि मानव आए थे और मनुष्य आज जितना बुद्धि और दिमाग है उतना आज से कुछ साल पहले नहीं था। तो उस समय लोगों के मन में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ थीं, बहुत सारे अंधविश्वास थे। लेकिन समय बदल चुका है, अभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतना आगे हो चुका है कि आज आदमी बहुत सारे जानकारियों के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, बहुत सारे प्रकृति के बहुत सारे रहस्यों का उजागर किया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में कि दिन और रात कैसे होता है पृथ्वी पर। तो देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात होने का सबसे पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर। कभी कभी ऐसे होता है कि रात में आप लोग देखे होंगे या कभी कभी बरसात के दिनों में बादल जब छा जाते हैं, चाहे अधिकतर रात के समय में हम लोग जब ऊपर देखते हैं तो ऊपर के जो बादल होते हैं, जो आसमान होता है, वो भागते हुए नजर आते हैं। तो घाटा भाग रहा है, लेकिन घाटा थोड़ी ना भाग रहा है, हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है। और इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे कि कभी आप ट्रेन पर चढ़ते हैं या बस पर चढ़ते हैं तो बाहर की वस्तु को जब देखते हैं आप लोग भागते हुए, तो कौन एक्चुअल में भागता, कौन है एक्चुअल में भागता है, बस भागती है, लेकिन हमें लगता है कि वो पेड़ पौधा ही भाग रहा है, बाहर जो आदमी खड़ा है वही भाग रहा है। तो ये अवधारणा जो है बिल्कुल गलत था कि मतलब घाटे भी चलते हैं चाहे आसमान भी भाग रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। अब मैं बात करता हूँ कि दिन और रात कैसे होती है। देखिए, ये है, मान के चलिए कि ये है सूर्य, देखिएगा ध्यान से, ये सूर्य है। मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वी पर प्रकाश का एक ही स्रोत है, वो कौन सा स्रोत है, वो सूर्य है। और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य क्या है, एक जगह स्थिर है, सूर्य अपने एक स्थान पर स्थिर है। और पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। और भी जितने भी ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, वो भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सब ग्रह का अलग अलग समय और पीरियड है चक्कर लगाने का, लेकिन पृथ्वी अपना एक चक्कर एक साल में पूरा करती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है, सूर्य की परिक्रमा कितना साल में पूरा करती है, एक साल लगता है सूर्य को, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। लेकिन पृथ्वी तो चक्कर सूर्य का लगाती ही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने भी अक्ष पर घूर्णन करती है। ये सबसे बड़ा चीज़ ध्यान रखिएगा, दिन और रात होने का सबसे बड़ा कारण यही है, पृथ्वी अपने भी अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन लगाती है। तभी तो दिन और रात होता है। अगर घूर्णन नहीं करती पृथ्वी तो दिन और रात कैसे हो पाता, कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो पृथ्वी के क्या होता है कि अपने अक्ष पर क्या हो रही है, चारों तरफ घूम रही है। तो घूमने के चक्कर में जिस तरफ, जैसे पृथ्वी घूम रही है ऐसे जाकर ऐसे घूमी, तो घूमने के चक्कर में जिस तरफ सूर्य का प्रकाश होता है उस भाग में दिन होता है, और इस भाग में जिधर प्रकाश मान के चले सामने सामने नहीं पड़ता है तो इधर क्या होता है, रात होता है। मतलब सूर्य का प्रकाश जिधर नहीं पड़ता है उधर क्या होता है, रात होता है, और जिधर पड़ता है उधर क्या होता है, दिन होता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है दिन और रात के होने में। और यही कारण है कि हम लोगों के देश जैसे कि इंडिया में जब दिन होता है तो जरूरी नहीं है कि सभी देशों में दिन ही हुआ हो, किसी किसी देश में सुबह हुआ होता है, किसी देश में रात हुआ होता है, रात का 12 बजता है, सब देश का समय अलग अलग होता है, किसी देश में सुबह हुआ है, किसी देश में शाम हुआ है, सबका समय अलग अलग होता है। तो इस प्रकार दिन और रात की घटनाएँ घटती हैं। मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा भरोसा है कि हम जो भी इस वीडियो में जानकारी आपको दिए हैं आपका पूरा अंधविश्वास खत्म हो गया होगा कि दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही संभव है। अगर दिन और रात पृथ्वी का घूर्णन अगर नहीं रहता तो दिन और रात नहीं होता, दिन का दिन रहता, रात का रात ही रहता। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।